हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आपने फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम पे येलो टून या फिर ब्राउन टून वाले फ़ोटो देखे होंगे, और ये फ़ोटो इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं और इन फ़ोटो में काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड काफ़ी ज़्यादा कमेंट रहते हैं। फाइनली ऐसा फ़ोटो कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो में आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ। और ऐसा फ़ोटो बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप ऐसा फ़ोटो बना के और अपने फ़ोटो को इंस्टाग्राम पे अपलोड करके और अच्छे खासे लाइक एंड कमेंट पा सकते हैं एंड फॉलो पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो पास में घंटे उसको भी हाल में सेलेक्ट कर देना, ताकि यार आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो कर लेते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो रियल फ़ोटो रहेगा ना उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हमने हमारा रियल फ़ोटो था ना वो सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हो कुछ ही टाइप का हमारा रियल फ़ोटो है, ठीक है। फ़ोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको सेंड वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा, और सेंड वाला आइकन में क्लिक करने बाद फ़ोटो को आपको सेंड कर देना होगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम ले चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर फ़ोटो। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो फ़ोटो नो आ चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर आ जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना इधर और आपको यहाँ पर कलर वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। ध्यान रखना, कलर वाला आइकन में आपको चले जाना होगा। कलर में जाने के बाद आपको सीधा मिक्स में क्लिक कर देना होगा, और मिक्स में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कलर वाले आइकन आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ग्रीन कलर में क्लिक कर देना होगा। अब ग्रीन कलर में क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन लाइन आ जाएगी, आपके सामने फर्स्ट में ह्यू, फिर सैचुरल, फिर लिमलेस, ठीक है। तो जो सबसे पहले आपको ऊपर वाली जो लाइन है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको माइनस कर देना होगा। इसको ज़्यादा माइनस नहीं करना, यहाँ से इसको रख लेना होगा आपको 87 माइनस, ठीक है। 87 माइनस हो जाने के बाद जो बीच वाली है ना इसको आपको प्लस कर देना होगा, ठीक है। इसको आप जैसे प्लस करोगे ना तो यहाँ पर जो येलो टोन है ना वो ज़्यादा डार्क होने स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से प्लस रख लेता हूँ, इसको भी ज़्यादा नहीं करना है, इसको यहाँ से प्लस शो कर देना होगा, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से येलो कलर में क्लिक कर देना होगा। येलो कलर में क्लिक करने के बाद दोस्तों जो ऊपर वाली लाइन है इसको यहाँ से आपको रख लेना होगा, इसको यहाँ से प्लस 8 कर देना होगा, और बीच वाले में क्लिक करके इसको यहाँ से माइनस 20 कर देना होगा। इतना हो जाने के बाद जो नीचे वाली है लिमलेस इसको हल्का सा प्लस कर देना होगा, यहाँ से प्लस रख लेना 15। अब इतना हो जाने के बाद दोस्तों हमारा जो पेज का बैकग्राउंड है ना वो येलो इफेक्ट में हो चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऑरेंज कलर में क्लिक कर देना होगा, क्योंकि गाइस हमारे जो पेज है इसको भी हमको येलो टोन देनी है। तो ऑरेंज कलर में आपको क्लिक कर देना होगा। ऑरेंज कलर में क्लिक करने के बाद जो ऊपर वाली लाइन गाइस ह्यू, तो इसको आप माइनस करोगे ना तो यहाँ पर हमारे पेज में येलो टोन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इधर प्लस करोगे ना तो रेड टोन हो जाएगी, बट हमको येलो करना है तो इसको आपको माइनस 9 रख लेना होगा। और ज़्यादा डायरेक्ट करने के लिए बीच वाले में क्लिक करके उसको यहाँ से हल्का सा कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको आपको 0 रख लेना होगा वरना हमारा फोटो बिगड़ जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से डन में क्लिक कर देना होगा। डन में क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने कलर आ जाएगा, तो जो ऊपर वाली लाइन गाइस तो इसको यहाँ से कर देना होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इसको रख लेना यहाँ से 5 प्लस, और जो इसके नीचे वाली इसको भी आपको यहाँ से रख देना होगा माइनस 5, ठीक है। और जो इसके नीचे वाली ना तीसरे नंबर वाली लाइन इसको यहाँ से आपको रख लेना होगा, इसको कर देना यहाँ से 58। और इतना हो जाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। देखते हो यहाँ पर 3 लेयर वाला आइकन देने मिल जाए, इसमें क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपके सामने कलर वाले सर्कल आ जाएंगे। तो यहाँ पर छोटी छोटी बिंदु नहीं, इनको आपको देखते हो इधर कर देना होगा आपको 9, और इसको इधर 16 इसको कर देना यहाँ से 3। इतना हो जाने के बाद यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ, और अब देखते हो हमारे फोटो में कितना अच्छा येलो टोन आ चुका है बिफोर एंड आफ्टर। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको डिटेल्स में क्लिक कर देना होगा, और फर्स्ट में शार्पिंग देने मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको शार्पिंग को यहाँ से इंक्रीज कर देना होगा 52 प्लस। और इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट में क्लिक कर देना होगा। इफेक्ट में क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, और जो 4 नंबर वाली लाइन इसको यहाँ से माइनस कर देना होगा, माइनस 38 कर देना होगा, और यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद जूम करके देख लेना हमारी फोटो में कितना सा लुक आ चुका है बिफोर एंड आफ्टर। तो दोस्तों, अब आपको फोटो को डाउनलोड करने के लिए ऊपर सेव लाइकन में क्लिक कर देना होगा, और सेव टू डैश में क्लिक करके फोटो को कर लेना गैलरी में सेव।
तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आगे भी आपको इस टाइप की एडिटिंग वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं किसी कमाल की एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।